प्रश्न नंबर 5 पर भी हम ध्यान दें, ये भी अवकलनीयता पर आधारित, डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित एक नया प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, यदि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 10 और एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, तब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स एफ ऑफ 3 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन कंप्लीट अपॉन एक्स माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो निश्चित रूप से आपको क्या दिया है, आपको एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 10 दिया है, एफ डैश 3 का मतलब एक्स बराबर 3 बिंदु पर उस फंक्शन का अवकल गुणांक एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स एफ ऑफ 3 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका हल अब प्रस्तुत है, आप ध्यान से उसको देखें। बच्चों आपने देखा कि एक अभी सवाल में एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 एफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया था, उसमें y के जगह 0 मानकर एफ ऑफ 0 का मतलब हमने साबित किया। तो परीक्षा में उस क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 भी दे भी सकता है, ना दे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई से आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 साबित करके आपने देखा। अब हम नए प्रकार के सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर हम ध्यान दें कि क्वेश्चन 5 थोड़ा नया सवाल है बच्चों। उसमें दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ 3 आपको 10 दिया है और बिंदु एक्स बराबर 3 पर एफ डैश 3 इज इक्वल टू 2 दिया है। इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स बराबर 3 पर फलन का अवकल गुणांक 2 है, तब आपको प्रश्न कह रहा है कि लिमिट सीमा एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स एफ ऑफ 3 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स आपको बटे एक्स माइनस 3 की वैल्यू कैलकुलेट करने कह रहा है। तो बच्चों बहुत सावधानी से प्रश्न को पढ़ना चाहिए, क्या हमको दिया है, क्या निकालना है और अब प्रोसेस क्या है, ये सवाल उठता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एफ डैश ए बिंदु ए पर एक्स बराबर ए पर किसी भी फलन एफ एक्स का अवकल गुणांक की परिभाषा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन इन डोमेन का अंतर यानी एक्स माइनस ए। यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहां पर ए के जगह पर 3 रख दें तो एफ डैश 3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, ए के जगह मैं 3 रख रहा हूं, एफ एक्स अपनी जगह पर है और एफ ऑफ 3 ए के जगह हमने रख दिया है अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसको हम यदि एफ डैश ऑफ 3 को कैलकुलेट करके देख रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो किस प्रकार से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। आपको मालूम है कि हम इसको हमको इसकी वैल्यू निकालना है और आप एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 है, इसी की नकल मैं पहले कर दूं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस 3 और एफ डैश 3 की वैल्यू क्वेश्चन पे 2 दी है, तो यहां से हम ये कहेंगे कि 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें।
अब जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उस पर नजर डालेंगे बच्चों। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको दिख रहा है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसकी सीमा निकालने कह रहा है, एक्स एफ ऑफ थ्री माइनस थ्री, ये देखो तीन अंदर फिर तीन बाहर और एक्स अंदर ऐसा लग रहा है, अपॉन इसकी वैल्यू निकालने कह रहा है। तो जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो बेहतर आइडिया तो दिमाग में यही आएगी एग्जामिनेशन हॉल में कि एक्स टेंडिंग टू थ्री है और ये एक्स एफ ऑफ थ्री है और माइनस थ्री एफ ऑफ थ्री से मैं इसको घटा दूं और उसमें जोड़ दूं तो फंक्शन के इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी नकल वैसे के वैसे कर दें। और नीचे तो वैसे ही है। अब आप इस पर ध्यान दें, ये तीन एफ ऑफ थ्री मैंने इसमें घटाया है और थ्री इंटू एफ ऑफ थ्री जोड़ा है, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं लाया है बच्चों, ये एडजस्टमेंट करने के लिए किया। आप देखिए एफ ऑफ थ्री कॉमन दिख रहा है, इसमें तीन कॉमन दिख रहा है, तो हम कुछ न कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे लिमिट कैलकुलेट कर पाएंगे। एक्स इज इक्वल टू मान लो आप थ्री रख देते हो तो थ्री एफ ऑफ थ्री, थ्री माइनस थ्री अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा नीचे। तो कुछ न कुछ आइडिया से हमें इसको एडजस्टमेंट करके सिंप्लीफाइड करने की बात सोचना चाहिए। तो ये दिमाग की बात है कि जानबूझ से ये काम किया गया कि थ्री एफ ऑफ थ्री इसमें घटाया गया है और जोड़ा गया है, तो इनमें कॉमन होते दिख रहा है आपको और लिमिट से बाहर हो सकता है वो, क्योंकि उसमें एक्स नहीं है, तो एफ ऑफ थ्री इसमें कॉमन दिख रहा है देखिए, और लिमिट में एज इट इज लिख दूं एक्स टेंडिंग टू थ्री, तो एफ ऑफ थ्री जब कॉमन निकल गया तो ऊपर क्या बचा, एक्स माइनस थ्री, और नीचे क्या है, एक्स माइनस थ्री। ये देखिए फायदा हो गया ना बच्चों कि ये अब कट गया, और देखिए प्लस लिमिट को हम दो बार लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री है और इसमें जो कॉमन दिख रहा है हमें वो थ्री कॉमन दिख रहा है, तो अंदर जो बच रहा है वो है एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। आप इन दोनों को पेयर को लिए हो और उसके बाद इन दोनों पेयर को लिए हो और उसमें कॉमन है थ्री, और इसका भाग इसमें भी जाएगा, इसका भी भाग इसमें जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा, आंशिक भिन्न जैसा आपने काम किया बच्चों। ये x से विहीन राशि है तो इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री लिमिट पर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन वन की लिमिट वन ही होगी, और f ऑफ थ्री आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में नजर आ रहा है दस है, वो बाद में हम रख देंगे, इसकी लिमिट आएगी वन। और माइनस क्यों कर रहा हूं, ताकि इसको मैं फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन में उसको जोड़ सकूं, तो इसको एफ एक्स को पहले लिखना चाहता हूं इसलिए माइनस कर दे रहा हूं और तीन बाहर कर दे रहा हूं, क्योंकि एक्स से विहीन राशि है, एक्स से मुक्त राशि है, तो लिमिट्स के मल्टीप्लाई में होने पर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री होगा। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ थ्री कितना है भाई, ये देखिए एफ ऑफ थ्री वो है 10 और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, और माइनस ये 3 है, और ये किसकी परिभाषा है, ये एफ डैस ए की परिभाषा जैसा है, बिंदु ए पर फलन का अवकल गुणांक की परिभाषा है। ये एक्स टेंडिंग टू थ्री है तो तीन पर एफ डैस थ्री की ये परिभाषा होगी, आप इससे कंपेयर करके देख लें। चलो इसको समीकरण नंबर हम अल्फा बोल दे, तो बगल में आप समीकरण
अल्फा से लिख सकते हैं परीक्षा में, परिभाषा से। तो एफ डैश थ्री ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जिसको हम लेके चले थे ये पूछ रहा था, तो लिमिट हमको लास्ट रिजल्ट मिल रहा है एक्स टेंडिंग टू थ्री। इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने आगे बढ़ाया है स्टेप, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप। तो इसकी लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स एफ ऑफ थ्री माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री का मान हमें दिख रहा है 10 से कम 10 गुणा एक है तो 10 से कम 10 हो गया माइनस 3। और एफ डैश की वैल्यू एफ डैश ऑफ 3 एक्स बराबर 3 पर फंक्शन का अवकल गुणांक का मान क्वेश्चन में दिया है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर 10 माइनस 3 बनी 6, 10 में से 6 गया 4। इसका आंसर किसका आंसर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स एफ ऑफ 3 माइनस 3 बाहर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 3 है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग सवाल, इसमें 3 बाहर हो गया एक्स अंदर हो गया, ये देखिए, और एक्स माइनस 3 है। इसकी जो वैल्यू है इस केस में 4 हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है।